बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन ग्रेवी। इसके लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम चिकन, 2 प्याज मीडियम साइज, 10 से 12 लहसुन के जवे, 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली है, 1 मुट्ठी से कम हमने पुदीना लिया है, और ये अदरक ली है 2 इंच के टुकड़े के करीब, और 1 कटोरी हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। अभी पीस कर आपको दिखाते हैं। हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हमने ये आधा प्याली दूध ली है, आधा प्याली क्रीम ली है, 1 प्याली दही ली है। अब हम इसके अंदर आपको ये डालकर और मसाले डालकर दिखाते हैं। ये हमने दही फेंट ली थी, दूध हम थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच के करीब नमक। आप नमक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका, 1/2 कटोरी तेल और ये जो दूध बचा था ये हम लास्ट में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने ये पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा जो हम इसके अंदर बोटियां डालेंगे वो चिपके नहीं। बस इतना, और इसको अब हम ये बोटियां इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस ऊपर निशान आ जाए। हम सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेंगे। और ये हमारी बची हुई ग्रेवी है, ये भी हमारी अभी काम में आएगी। हम इसको पलट देंगे। अभी इसके ऊपर कलर आया नहीं है, अभी हम इसको और पकने देंगे। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो जल्दी इसके ऊपर कलर लाइन आ जाए। ये देखिए हमारे चिकन में कलर आना शुरू हो गया है। हम इसको टर्न कर देंगे। अब
डालते हैं ये। हम इनको दो तीन मिनट के बाद निकाल लेंगे और अपनी ग्रेवी इसके अंदर डालकर थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इन बोटियों को बाद में इसी के अंदर डाल देंगे। हमने ये बोटियाँ अलग कर ली हैं और ये ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमारा दूध था वो भी हम डाल देंगे और इसको पका लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका डाला था तो हमारा चिकन अच्छी तरह गल गया है। इसको हम इसको ढककर पका लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है, भुन गई है या नहीं भुनी। लगभग हमारी ग्रेवी तैयार है, बस इसको थोड़ा सा और भूनना है। आँच थोड़ा तेज़ कर देंगे। बस अब इस स्टेज पर अपने ये बोटियाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच से हिला देंगे। दो मिनट के लिए फिर पकाएंगे। हमारा चिकन बनकर तैयार है, अफगानी चिकन, और हमने गैस बंद कर दिया था। ये देखिए, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो हम सर्व करेंगे। ग्रेवी के साथ और इसके साथ हम ये प्याज लगा देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।